हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में मुझे दो चीजों के डिफरेंस पे चर्चा करनी है। सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे, इसे छोड़ दे बेटे। बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, बेटा दो टर्म है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। प्रभु, कई बार ना बोलना होता है जहां डिमांड हम बोल देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, जहां बोलना होता है क्वांटिटी डिमांडेड हम बोल देते हैं डिमांड। ये फर्क आज आराम से समझ लो, कहां क्या बोलना है। देखो, एक डिमांड को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड को 5, मार्केट डिमांड को 8। इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, सबसे पहले प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है। और अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं, तीन और ऐड हो जाएंगे, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। बेटा, अगर कभी भी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होगा, सिर्फ प्राइस की वजह से, कीपिंग अदर फैक्टर एज कॉन्स्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट मान लो, अगर प्राइस की वजह से चेंज हो तो हमेशा वर्ड क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वहां डिमांड वर्ड ना चाहे कैसा, अगर आप छोड़ेगा नहीं ना तो इसको फिर मैं तेरे को बताऊंगा, ठीक है जी। और बेटा, चेंज इन डिमांड की बात हो तो बेटा चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर की वजह से बदलेगी, कीपिंग प्राइस एज कॉन्स्टेंट, कीपिंग प्राइस एज कॉन्स्टेंट। वो यहां प्राइस को कॉन्स्टेंट मान लो, बाकी सातों फैक्टर में से किसी की वजह से बदल जाए डिमांड, हम बोलेंगे हमेशा चेंज इन डिमांड। यहां प्राइस की वजह से बदलनी चाहिए, बाकी सब कॉन्स्टेंट है बेटा, तो बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जब बच्चे लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। बेटा, लॉ ऑफ डिमांड का ना पहला वर्ड ही होना चाहिए, कीपिंग अदर फैक्टर एज कॉन्स्टेंट, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, बोलना है डिमांड कभी नहीं बोलना बेटा, वहां क्या बोलना है, क्वांटिटी डिमांडेड बोलना है, डिमांड कभी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर वर्ड है कीपिंग अदर फैक्टर एज कॉन्स्टेंट, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस अफेक्ट हो रहा है ना, वर्ड क्या आना चाहिए हमेशा, क्वांटिटी डिमांडेड, ना कि डिमांड। समझ में आ रही बात? वो बात अलग है कि आप डिमांड लिखो टीचर भी चेक कर दे, लेकिन मेरा वास्ता नहीं है बेटा ऐसे ऐसे, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है जी। बात समझ में आती है? वो इसी का एक दूसरा नाम भी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम ऐसा भी बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और क्यों बोलते हैं ये मैं अभी साबित भी करूंगा। इसका भी एक दूसरा नाम है बेटा, इससे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आई सारी जितनी बोली? बेटा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये ना दो दो तरीके का है, ठीक है। पहले मैं थोड़ी देर चर्चा यहीं पर करूंगा, इसकी चर्चा बेटा सिर्फ 5-7 मिनट के बाद। बेटा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दो तरीके का है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। दो तरीके का है, एक को हम बोलते हैं एक्सपेंशन, दूसरे को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। बेटा, इसके ना कुछ और नाम भी हैं। एक्सपेंशन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, इसका एक और नाम भी है, इससे हम बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा, इसका एक और नाम भी है, इससे हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बेटा, जैसे इसके चार नाम है ना, इसके तीन नाम है। एक्सपेंशन का अपोजिट बना कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन का कोई अपोजिट नहीं है बेटा। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का बना डिक्रीज इन
क्वांटिटी डिमांडेड और डाउनवर्ड मूवमेंट का बना अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है जी। अब बाबू मेरे को इसको साबित करना है एक शेड्यूल एक डायग्राम से, सामने देखते रहना बाबू। अगर आपने पलक नीचे करी दो कंसेप्ट निकल जाएंगे, आगे की दो चार लाइनें निकल चुकी होंगी, मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि मैं कराई बहुत तेजी से रहा बाबू। प्राइस और दूसरी तरफ है क्वांटिटी डिमांडेड। अब एक बात समझो, यहां पर वर्ड लिखा है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है यानी कि प्राइस गिर रहा होगा ना, इनवर्स रिलेशनशिप ही तो है। ठीक है जी। अगर मैं कहूं प्राइस 15 था तो क्वांटिटी डिमांडेड मान लो 150 थी, प्राइस गिर गया क्वांटिटी डिमांडेड 200 हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यही तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप, तो मैंने प्राइस गिरा ये बढ़ा दिया। अब बेटा इसको कर्व पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखो, मैंने बेटा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ली, वाई पे लिया प्राइस, प्राइस लिया 5-10, मैं स्केल से नहीं बना रहा पर फिर भी बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह एक्यूरेट ही बन जाए बिल्कुल और आपको बात समझ में आ जाए। 15 के प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 150, ये रहा 15 का दाम और ये रही क्वांटिटी डिमांडेड 150। 10 के प्राइस पे होगी 200, ये 10 का प्राइस, ये कितनी होगी 200 हो गई, यानी कि कर्व कुछ ऐसा है। ठीक है जी। ओरिजिनल ओरिजिनल तो यही थी ना बेटा, 15 के प्राइस पे 150 और बेटा आगे हमें पॉइंट क्या मिला, 10 पे मिला 200। सामने देखो जी काम की बात, ये कौन है भाई बाबू, ये दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा पहली बात मैंने भी कहा था, मैं प्रूव करूंगा इसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि सेम डिमांड कर्व पे ही मूव करता है, कोई अलग कर्व नहीं बन जाता। तो यहां अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकते हैं, फिलहाल मैं डाउनवर्ड की बात कर रहा हूं और दिख रहा है बेटा उसी डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है। अब बेटा यहां पर लिखा है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, समझदार को इशारा काफी, अगर क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है तो बेटा प्राइस बढ़ रहा होगा तभी तो गिर रही है। मान लो बेटा मैंने प्राइस बढ़ाया और क्वांटिटी डिमांडेड गिर के 100 हो गई। अब इसी चीज को प्लॉट कर देते हैं शेड्यूल पर, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200। 15 पे 150, ये रहा 15 और ये रहा 150, 20 पे 100, 20 पर 100 बेटा ओरिजिनल ओरिजिनल ये रहा जी। अब ये दिख रहा है बेटा अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के ऊपर होती हुई अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल है बात, क्लियर है बात। एक मिनट पहले इतना रिपीट कराओ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन डिमांड फर्क है कि नहीं है, फर्क है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस फैक्टर की वजह से होगी, प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर एस बेटा, चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होगी, अदर फैक्टर कीपिंग प्राइस एस, इसका दूसरा नाम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसका दूसरा नाम शिफ्ट इन डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बेटा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दो तरीके का है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सटेंशन का कोई दूसरा नाम नहीं है। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बाबू कभी भी एग्जांपल फ्रेम करना और दिमाग को थोड़ा दुरुस्त रखना, मैं भी ऐसा एग्जांपल रटता नहीं हूं और रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने देखा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ानी है मतलब प्राइस गिराना पड़ेगा, मैंने प्राइस गिराया क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी और जब मैंने शेड्यूल पे प्लॉट करा अपने आप वो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। सेम वे अगर यहाँ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड था तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरानी पड़ेगी, इसका मतलब प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जैसे ही मैं प्राइस बढ़ाऊंगा क्वांटिटी डिमांडेड गिराऊंगा अपने आप वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। मैंने कभी नहीं आज तक इसको रटा इस चीज को और आप भी मत रटना, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है बात। आगे बढ़ सकते हैं बेटा, जैसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दो तरीके का था वैसे ही शिफ्ट भी दो तरीके की है बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट या इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट और इसी को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। बहु डिमांड बढ़ानी है
कीपिंग प्राइस एज कॉन्स्टेंट, प्राइस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, प्राइस मत लाना, कुछ भी रख लो, चाहे दस दस रख लो, चाहे बीस बीस रख लो, पंद्रह पंद्रह रख लो बेटा, डिमांड बस बढ़नी चाहिए। अच्छा डिमांड बढ़नी चाहिए, मान लो पहले 70 थी अब 100 हो गए, अब आपको लगेगा कि यार प्राइस कॉन्स्टेंट और डिमांड कैसे बढ़ सकती है। अच्छा कोई दूसरा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, तो मैं बता देता हूं बाबू, आप हो कोक 10 की बेचते हो, पेप्सी भी 10 की बेचा करता था, आज पेप्सी ने दाम उड़ाकर 15 कर दिया, ऐसे ही पेप्सी 15 करेगी, लोग कोक पे शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आपने प्राइस बढ़ाया या गिराया? आपने तो कुछ भी नहीं करा, आपका प्राइस कॉन्स्टेंट है तब भी डिमांड बढ़ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? अब बेटा ये करो बनेगा कैसे? सर जैसा कि नाम सजेस्ट करता है राइट वर्ड शिफ्ट, बिल्कुल वैसा ही होगा, प्राइस 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 इधर देखो जी, 10 के दाम पर पहले 70 की डिमांड थी, और बेटा अगर 70 की डिमांड थी, डिमांड कर कुछ ऐसा था, आज 10 के ही प्राइस पर 100 की डिमांड है, यानी कि बेटा ये कर्व कहीं ना कहीं राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, अपने कर्व के ओरिजिनल कर्व के राइट में चला गया, इसलिए इसे बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? प्राइस तो कॉन्स्टेंट ही रखा हमने, प्राइस तो हिलाया नहीं बेटा। सेम बात यहां पर, प्राइस और डिमांड, सर डिक्रीज इन डिमांड है, प्राइस की वजह से फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस वैसे का वैसा है। सर ऐसा इंपैक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? बिल्कुल पड़ सकता है। आप कोको 10 में बेचते हो, पेप्सी भी पहले 10 में थी, पेप्सी ने आज 8 रुपए कर दिए रेट, ऐसे 8 करे होंगे, आपकी डिमांड कहीं ना कहीं मां तो जाएगी जाएगी, आपने तो प्राइस हिलाया भी नहीं भैया, डिमांड लेकिन शिफ्ट हो गई, हो सकता है। समझ में आती है बात? अब बेटा इसको प्लॉट कैसे करेंगे? सेम वही कहानी, प्राइस 5, 10, 15, 20, डिमांड 50, 100, 150, 200 10 के प्राइस पर पहले डिमांड 150 थी, यानी कि कुछ कर वैसा था, और 10 के प्राइस पर अब 100 हो गई, यानी कि अब कुछ कर वैसा है, ये अपने लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन डिमांड। इजी वन, ऐसे बता देता हूं, कम से कम 8 पेज लिखे हैं इसको नोट्स में समझाने के लिए, पर हमें क्या है, हम डरते ही इन चीजों से, कितने पेज लिखे हुए, हम पेज तो गिनते हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे पे चीज का होता है, अच्छा 8 से शुरू हो गया 28 तक है ये, नोट्स में पहले पेज नंबर देख लेते हैं, अच्छा 20 पेज का है चैप्टर, भाई 8 पेज इस चीज के, बताओ क्या बोल रू मैं इस चीज को। अब बाबू पेपर में ना बहुत सारे फॉर्म में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली इतना सारा तो कभी नहीं पूछेगा आपसे ना, पूछ क्या लिया जाता है 3 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज इन डिमांड, या डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन और राइट वर्ड शिफ्ट, या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और राइट वर्ड शिफ्ट, या इसमें और इसमें डिफरेंस, ऐसी चीजें पूछता है। अब बाबू ऐसे 4 डिफरेंस नोट्स में मैंने भी प्रिंट करे, ठीक है जी, ऐसे 4 डिफरेंस मैंने भी प्रिंट करे, तो वो पढ़ेंगे अगस्त। बेटा देखो यहां से टॉपिक शुरू हो गया, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बनाना सेम थिंग, ठीक है जी, मतलब शुरू हो गए इसी के दोनों टाइप, एक्सपेंशन इसी का दूसरा टाइप, कॉन्ट्रैक्शन सबके शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन, शिफ्ट इन डिमांड कर्व जिसका दूसरा नाम चेंज इन डिमांड, एक टाइप इसका इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज, सबके शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन। अब 4 डिफरेंस है बेटा, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने पढ़ा नहीं डिफरेंस मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड में पढ़ा? ये प्राइस की वजह से, ये दूसरे फैक्टर की वजह से, या दूसरे फैक्टर कॉन्स्टेंट या प्राइस कॉन्स्टेंट, यही है। आओ जी फटाफट से स्पीड बढ़ाना बेटा, पढ़ना जरा पहला डिफरेंस। पहला डन, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व पढ़ना चाहिए। इफेक्ट क्या आएगा, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी अलोंग द डिमांड कर्व, या शिफ्ट कैसा होगा, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड होगा, आगे बढ़ो जी। रीजन क्या है, प्राइस या अदर फैक्टर, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बेटा यही डिफरेंस है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, इससे पहले क्या पढ़ा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इसी का दूसरा नाम है, शिफ्ट इन डिमांड इसी का दूसरा नाम है, सेम डिफरेंस लिखे हुए हैं बस नाम बदलती है,
ठीक है आओ जी, एक्सपेंशन और इंक्रीज इन डिमांड। सर फर्क तो है, ये एक्सपेंशन है और ये इंक्रीज इन डिमांड है। अच्छा ये किसकी वजह से हुआ? प्राइस के गिरने की वजह से। ये यहां प्राइस कॉन्स्टेंट है, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, या दूसरा फैक्टर बदला और फेवर में बदला, तब डिमांड बढ़ी है। या डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि प्राइस गिरा है। दोनों में फर्क है। आओ जी पढ़ना जी, पहला डिफरेंस। ठीक है पुत्र जी, ठीक है बाबू। प्राइस 12 से हो गया 10, डिमांड 10 से हो गई 150। ठीक है प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ी, यहां प्राइस 12 से 12 ही रहा, डिमांड फिर भी बढ़ गई क्योंकि कोई और फेवरेबल फैक्टर बदल गया होगा ना आपके फेवर में। पढ़ना डिमांड कर पे फर्क क्या पड़ा होगा? ये डाउनवर्ड मूवमेंट है इसका दूसरा नाम, यहां बेटा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है जी, रीजन पढ़ लो प्राइस के गिरने की वजह से हो गए वही सब। ठीक है अब बेटा कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड, सब बातें उल्टी होगी होगी, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है जी पढ़ना एक मिनट फटाफट से। प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरी, प्राइस कांस्टेंट है डिमांड तब भी गिर रही है। ठीक है पुत्र जी कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस ये मेरे अभी कल का मुद्दा रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।